ऑपरेशन। ओहो भाई जरा सुनना, हमारे देश में सिर्फ 13% औरतें काम करती हैं, बाकी की औरतें घर में बैठ के खा पी के आराम करती हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा जो कुलीग है ना मिस्टर कुलकर्णी, उसकी वाइफ ने लाल बाग में टाइगर क्लब खोला, शी इज वेरी एक्टिव यू नो। और डैडी आपको पता है वो पान वाला मिश्रा है ना, उसके घर कल रात को चोरी होने वाली थी तो उसकी बीवी ने बेलन मार के चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा फ्रेंड है मालपानी, डैडी उसकी बीवी ने घर में योगा क्लासेस चालू किए, अच्छी खासी कमाई भी होती है। और हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। अरे ये तो क्या कर रहा है, मेरे पास है। अरे भाई मैं तो अपनी किस्मत को रोज कोसता हूँ, जब मैं लेडी इंस्पेक्टर किरण बेदी और पीटी उषा के बारे में सोचता हूँ। हाँ मामा, इस उम्र में क्या मुझे पीटी उषा की तरह दौड़ाओगे। नहीं तो खा पी कर सोती रहो घर में। बस बस चुप है लड़ा, हम लोग अपना एल्ला टैलेंट छोड़कर इस घर संभालने में सारा जीवन लगा दिया ये सब सुनने के लिए। सुनो जी, मैं पंजाबी कुड़ी हूं, मैंने कम ना समझो तुसी। हम बंगाली हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ मैं तो गर्वी गुजरात छू। चुप है। चलो बहो, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रीति अब तुम नहीं जाओगी। जाओ ना, जाओ अंदर। नहीं उधर उधर। नारी शक्ति। जंतर मंतर जादू टोना कुछ भी कर ले यारा, तोड़े से भी ना टूटेगा अपना घर ये प्यारा। मिस्टर ऐसी कोशिश करना भी मिस्टेक है, क्योंकि हम सब एक हैं, एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अलग अलग है बोली सबकी, अलग अलग है बोली सबकी, तरह तरह के सपने, छोटे मोटे झगड़े हैं पर आखिर है तो अपने। थोड़ा लेना देना थोड़ा क्यों एंड टेक है, राइट। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझते, घर की मुर्गी दाल बराबर। और क्या, कुलकर्णी की बीवी ने तो टाइगर क्लब शुरू किया है। हाँ, और कुलकर्णी भीगी बिल्ली बनकर घर का सारा काम करता रहता है। ये बात मैं बंटी के पापा को कैसे समझाऊं। आप लोग हमारा थोड़ा सा मदद कर दो तो हम मिस इंडिया बन के दिखा देंगे। वेरी गुड आइडिया मिसेस खाचू, मिस इंडिया बनने के लिए मिस होना जरूरी है। लो बच गई सीटी। पति ना कहाँ गया? ये लो प्रीति तुम्हारा दाल। क्या बात है। और प्रतिमा तुम्हारा चावल। और ये रहा मंजीत के छोले। क्या बात है मम्मी जी, दो सीटी में मेरे पूरे छोले तैयार हो गए। अरे बहू मुझे कुकर देखकर एक रोम्बा नल्ला आइडिया आ रहा है। क्या? हाँ, एक ही कुकर में गुजराती बंगाली और पंजाबी खाना पक गया। तो क्या, अगर गुजराती बंगाली पंजाबी और साउथ इंडियन खाना एक ही छत के नीचे सीखने को मिले तो कोई आए कि नहीं। दे ताली। लो 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 ताली दा, ताली दा। वाह मम्मी वाह, एकदम ढिंचा का आइडिया सोचा है आपने। हाँ वाह, हम लोग अभी कुकर ही क्लास खोलेंगे। हाँ। और हम इसका नाम रखेंगे प्रोभा प्रीमा क्लासेस। प्रोभा प्रीमा। मम्मी ये कैसे नाम है? अरे बहू थोड़ा सोच, प्रतिमा का प्रो, भारती का भा, और प्रीति का प्री, और मंजीत का मा, हो गया ना प्रोभा प्रीमा क्लासेस। लेकिन मम्मी हमें ये कुकरी क्लासेस खोलने के लिए पब्लिसिटी तो करनी पड़ेगी ना, एक एड बनानी पड़ेगी। आहो हम आपने उनको बोले हमारे लिए एक अच्छा सा एड बना देंगे। आहो आमा आमा बहु, प्रभा प्रेमा क्लासेस जिंदाबाद। नमस्कार। कुमारी लड़कियां अपना भविष्य बनाने और शादीशुदा औरतें अपना वर्तमान सुधारने, आज ही ज्वाइन करें प्रोभा प्रेम क्लासेस। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का रंग छिड़कने, भारत के चारों कोनों से आए कुकरी एक्सपर्ट। ईस्ट हो या वेस्ट, प्रोभा प्रेम क्लासेस इज द
जॉनी, ये सब क्या है? ये एक वहां पर राइट में किचन है, ओके, वहां पर आराम से लेना। क्या क्या? हाँ सर, इसमें दाल चावल गेहूं सब कुछ है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, कमाल है। इतना आटा चावल दाल मतलब क्या है? अभी पिछले हफ्ते तो पूरा किचन भरा था हम लोगों ने। यू आर राइट, गॉड ब्लेस यू। ये गॉड ब्लेस यू के बच्चे, चल गया यहाँ से, आउट। गोन भैया, ये चक्कर क्या है, इतना अनाज? मुझे लगता है कि ये लोग होलसेल में माल खरीद कर बाद में रिटेल में बेचेंगे और अपना प्रॉफिट कमाएंगे। आपको बता, सुबह सुबह टोकरियां भर भर के सब्जी रख गई थी सकू भाई। अच्छा, हाँ? तो कार की वो सब्जी? अरे फ्रिज में रखने की तो जगह नहीं थी। हाँ? फ्रिज में तो चीज का पैकेट रखने की भी जगह नहीं थी। तो फिर कार रखा चीज का पैकेट? पेट में। प्लेट में? प्लेट में नहीं, पेट में, यहाँ। लेकिन इतने सारी सब्जियां, अनाज, दाल, चावल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने निम्मी की शादी तय कर दी हो डैडी और आपको बताया तक ना हो? अरे कोई शादी वादी नहीं हो रही है डैडी। तो क्या जीते जी मेरा तेरवा मनाना है? अरे नहीं डैडी, हमारे घर की चारों लेडीज कुकरी क्लासेस खोलने वाली है। आपने ऐड नहीं देखी? कुकरी क्लासेस? अरे आप लोग हंसिए मत, अच्छा है ना, अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिलेगी। अरे भाई, लोग चाइनीज या मैक्सिकन सीखने के लिए कुकरी क्लासेस में जाते हैं, यहाँ इडली सांभर वड़ा पराठा ऐसा सीखने के लिए कौन आएगा? डोंट वरी डैडी, बिसाइड्स ढोकलास एंड एवरीथिंग, मैं अपने पापा से अमेरिकन डिशेस की रेसिपी भी मंगवाऊंगी। एक्सक्यूज प्लीज, ये प्रभा प्रेम कुकरी क्लासेस? यही है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? चौका साहू ने और कस्टमर बदा भगवान ना स्वरूप होई छे। सत्रियाकाल मंजीत खाचरू। भैया भैया, आप क्लासेस के वास्ते आए हैं? हाँ जी। चलो चलो, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। मम्मी, हम लोग यहाँ पर चुपचाप बैठ कर देखेंगे। इनफैक्ट हम आपको असिस्ट करेंगे। चुप है रेडा, हमें असिस्ट करने के लिए जॉनी है। बड़ा पो, ए पांडा पो, आओ सारे पो। चलो यार, बहुत पोपो हो गया। अरे भाई, मैं बैठूंगा तो चलेगा? एकदम पार, चलिए आप पहले जाइए जी। अरे नहीं, पंजाबी खाना तो हम घर में रोज ही खाते हैं, यहाँ तो हम बंगाली, मद्रासी और गुजराती खाना सीखने आए हैं। लेकिन मैं ना सब कुछ सीखना चाहता हूँ। क्या तुम खाना पकाना सीखने आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? राधा किशन। राधा किशन, ये कैसे नाम है? एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था ना, तो मेरी मम्मी ने सोचा कि अगर लड़की पैदा हुई तो उसका नाम रखेंगे राधा, और अगर लड़का पैदा हुआ तो किशन। लेकिन मैं अच्छा अच्छा, तो तुम आधा किशन हो, भालो भालो। तो जय श्री कृष्ण, मेरा मतलब है राधा किशन, तुम लड़का होकर खाना पकाना क्यों सीखना चाहते हो? What's wrong in it? You know, मेरे उनको ना अच्छी अच्छी डिशेस खाने का बहुत शौक है, you see? ओए उनको, किनको? हाँ, परसों ही ना मेरी सगाई हुई है मीरा के साथ, उन्होंने ना मुझे ये अंगूठी भी दी है। दिखाओ दिखाओ। ओए, और बदले में ना मैंने उनको अंगूठा दे दिया, यू सी। तो चलो ना सीखते हैं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, यू सी। ये गोले कब तक पकाने हैं? थोड़ा दे, अपना समझ से पका लो ना। तब तक हम लोग चीनी का चाशनी बनाते हैं। हाँ, 1 कप चीनी और 3 कप जौल। जौल? जौल क्यों है? जौल मतलब पानी। होने थोड़ा सा जीरा, जोड़ा प्याज हो रहा है लाल होने दो, फिर ये टमाटर। मैं अभी जाके छोले लेके आई, ठीक है? ठीक है मैडम, पर इसमें नमक कितना डालना है? ओए कुड़ी, टेबलस्पून भर के डाल दे। ये टेबलस्पून क्या होता है? जो स्पून टेबल पर होता है उसे टेबल स्पून कहते हैं, जो भी स्पून टेबल पे होता है टेबल स्पून होता है। लेकिन कितना? क्या हो रहा है? आंटी जी मुझे बताइए इसमें नमक कितना डालना है? मंजीत सिखा रही है ना जी, तो क्या बोली? बोली कुड़ी स्पून भर के डाल दे। कुड़ी? तमिल में कुड़ी का मतलब ड्रिंक। ये स्पून पीना क्या बात हुआ, कुड़ी कुड़ी क्या है?
माँ, बांग्ला में कुड़ी का मतलब है बीस। मुंजी दीदी ने शायद 20 चम्मच नमक डालने को कहा होगा। 20 चम्मच, ठीक बोली। अच्छा फिर डालो। तो बुढ़ी बाबा, मुंजी दीदी को बांग्ला कब से आने लगा? राधा किशोर, yes? दाल ढोकली के लिए दाल तैयार है। तुमने ढोकली के लिए कितनी रोटियां बेली? दो। सिर्फ दो? ओफो, तुम एक काम करो, तुम जाके दाल देखो, जाओ मैं बेलती हूँ, जाओ जाओ। प्लीज टाइम मैनेज, भाई छे के बेने खबर रखना। नमक डाल दिया? हाँ जी डाल दिया। मैगी, पूरा नमक का डिब्बा खाली? हाँ, आप ही ने तो कहा था नमक डालने को, सो मैंने डाल दिया। ओए, मैंने तो कहा था कि आपने कहा था कुड़ी, कुड़ी मींस 20, इसलिए मैंने 20 टेबलस्पून नमक इसमें डाल दिया। ओए कुड़ी, ओहो, किसने कहा था कुड़ी यानी 20 होता है? प्रतिमा भाभी ने। प्रतिमा? ओहो, सपार। यू सी? ओह माय गॉड। राधा भाई, आई मीन राधा बहन, ओहो तुम जो कुछ भी हो, तुमने ये ढोकली दाल में डालने के बजाय ये चाशनी में क्यों डाल दी? चाशनी तो रसगुल्ला के लिए था। हाँ, मुझे भी ना ढोकली चाशनी में डालने के बाद ही अपनी गलती रिलाइज हुई। लो बोलो। इसलिए मैंने गुल्ले ना दाल में डाल दिए। दाल में गुल्ला? बट यू डोंट वरी, यू नो हर बड़ी खोज ना गलतियों से ही हुई है। मैंने भी आज दो नए पकवानों की खोज की है, नमकीन दाल गुल्ले और मीठी रस ढोकली। अरे यू सी, मैं तुम्हारे मेरे डांट ढोकड़े के बाट लग गई। मैं रसगुल्ला। वरवर माधवी, सब एक से बढ़कर एक नमूने के स्टूडेंट्स। तुम लोग भी कहाँ कम हो। अब एक काम करो, मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर लाओ। आ मंगा, मैं भी वही बोल रही हूँ। आप मेरे लिए एक कप कॉफी बनाते तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? क्यों जी, मेरे लिए आप एक कप कॉफी भी नहीं बना सकते हो। बोलो। प्रतिमा, ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी। सुनो, एक तो हमारा सर दबा दो ना। सो जा राजकुमारी, सो जा। ए राजकुमारी, तब सोएगी जब तुसी मेरे पैर दबाओगे। हे भगवान, पैसे दे रखो। क्या जमाना आ गया है। ओ पोर ओहू, डोंट वरी। अरे भगवान, एक ना एक दिन तुम्हें भी मेरी तरह सक्सेसफुल करियर वुमन बना देगा। वुमन? तुम चुप बैठो इडियट। कब तक करना पड़ेगा ये सब? अरे इट ऑल डिपेंड्स, मैंने कुकरी क्लासेस अभी तो चालू किए, 6 महीने भी लग सकते हैं और 6 साल भी। 6 साल? मैं नहीं दबाता पैर तुम्हारे। क्यों, तुम ही ताने मारते थे ना, आप पैर दबाओ। ओके बाय। देखो आज अपुन का प्रीति भाभी गुजराती में सर्कल पापड़ी बनाने को सिखाएगा। सर्कल पापड़ी? गोल गोल पापड़ी। और मंजीत भाभी पंजाबी में छोला कटोरा बनाने को सिखाएगा। छोला कटोरा? अब छोला बटूरा, बटूरा। तो फिर तुम इतने कठोर क्यों बन रहे हो? ये भाई, ये बेन, तेरे को क्या बोलूं, तो जो भी है अपने नजदीक नहीं आने का। क्या क्या सा मुझे भाई बहन, भाई बहन कह रहे हो? मैं तो कितना प्यारा सा राधा किशन हूं। तुम जो काम बोला ना वो करने का, मैं तो अपना भाभी है ना, अपना डीप फ्राई कर देगा, समझे ना। हाँ तो ठीक है, ये लो। ये क्या? छुरी, जरा बादाम काट के दो ना। हाँ बादाम, वो बादाम क्या तुमको जो मांगता काट के देगा, लेकिन प्लीज एक एक रिक्वेस्ट है, मेरे नजदीक नहीं आने का प्लीज। हाँ ओके। ये भगवान, जॉनी, हाय हाय, ये सब क्या हो रहा है? जॉनी, ये सब क्या हो रहा है? कमान, जल्दी से 2 चमची घी डालो, उसमें आटा डालो और होले होले से हिलाते रहो। जॉनी, रोहो, जॉनी नहीं आएगा। तो तुम आ जाओ। ओफो, आप पाड़ो मारो लोई पी गयो छे। एक मिनट आ रही हूँ। हटो ए, ओए बेवकूफ ना हो तो खुद क्यों ही ले जा रहा है, चमचे को ही लाना। तो दिखाना है क्या पका रहा है तू? सर्कल पापड़ी। सर्कल पापड़ी? सर्कल मींस गोल पापड़ी, मतलब स्वीट डिश, यू सी? आई सी, आई सी। देखो ना आटा लाल हो गया है। तो क्या हुआ, प्याज डाल रहे? ओके। <Okay. laughs>
सॉक्स कहाँ है? मुझे क्या मालूम तुम्हारे सॉक्स कहाँ है? और वैसे भी ये सब काम तुम्हारा है, ओके? तुम देखते नहीं मैं कुकिंग में कितनी बिजी हूँ? प्रीति प्लीज मेरे सॉन्ग्स ढूंढ के दो ना, प्लीज। सॉन्ग्स के बिना ना शूज मेरे पैर में काटते हैं। तो स्लीपर पहनना शुरू कर दो। अरे ये धुआं कैसा? हाय हाय, तारा पाप में हमारी गोड़ पापड़ी भूली गई गतया। पापड़ी पाप क्या बोलती रहती है? इतना दुआरा किसका है? एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने मुझे कहा कि इसमें प्याज डाल दो, तो मैंने हिला हिलाकर इसमें प्याज डाल दिया है। लूसी, अरे लूसी, मैंने तुमको हिलने के लिए नहीं, चम्मच से इसको हिलाने के लिए कहा था। चक्रम, चलो हटो यहाँ से। अरे हटने के लिए बोला ना, हटो। पापड़ी की वाट लगा दी। पापड़ी का है? इस घर में कुकिंग तो किसको आता ही नहीं है। अरे यार सोहन, तू तो ऐसे चल रहा है जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत चल रही हो। अरे क्या बताऊं मोहन भैया, प्रतिमा ने कल सारे कमरे में झाड़ू पोछा मुझसे करवाया, मेरी कमर अकड़ गई है। झाड़ू पोछा तूने क्यों किया? जॉनी का बच्चा कहाँ मर गया था? डैडी, जॉनी के पास अब हमारे लिए वक्त नहीं है। अरे और तो और, कल मेरी बीवी ने मुझसे बंटी का काम करवाया, बंटी का काम। मैंने सोचा था कुकरी क्लासेस चल रहे हैं तो अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे, और हमें खाने मिल रहा है उनके स्टूडेंट के हाथों बना हुआ कच्चा और जला हुआ खाना। डैडी आपको बताए, प्रीति ने कल मोहन भैया के नाम की कोई डिश बनाई थी, मोहन थाल। अरे यार वो मोहन थाल खाने के बाद तो मेरे दांतों में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि पूछो मत। वो डिश थी या रबड़ था? रबड़। अरे मैंने तो अपने ही नाम की डिश खाई है, सोहन पापड़ी। सोहन पापड़ी नहीं, सोन पापड़ी बोल। बस अब तो रोहन गोश्त बनना बाकी है। अब ये सब छोड़ो, मेरे पेट में वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मुझे भूख लगी है। कच्चा हो या जला हुआ, जैसा भी हो उनको कहो खाना लेकर आए। अरे भाई खाना लेकर आओ लेडी लोग। क्यों है ना चला रहे आप? आज आपके वास्ते कुछ भी खाना नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि मैंने सारा खाना आज कुत्ते को खिला दिया है। बेचारा कुत्ता। हम लोग क्या आज रात को भूखे सोएंगे? That's for you to decide. हम लोग एक काम करते हैं बेटा, हम सब लोग होटल में चले जाते हैं ना। मैं कहता हूँ घर में इतनी औरतों के रहते हुए हम लोग होटल का खाना क्यों खाएंगे? वो छोड़ो, होटल का बिल कौन देगा? वो हम लोग भर देंगे, अब हमारे पास बहुत पैसा है। ये मम्मा रेता 30 दिन से सिखा रही हूँ, एक डोसा बनाना नहीं आता, निकाल इसे भी। तूने मेरे ऊपर डोसा फेंका, तू अपने आप को समझती क्या है? भगवान तू कब उन औरतों को सद्बुद्धि देगा? हम मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तेरा? भैया आप कहाँ चले? मैं जा रहा हूँ होटल से खाना लाने। अब उन अतरंगी स्टूडेंट के हाथ का कच्चा और जला हुआ खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। अब तो ये कच्चा और जला हुआ खाना भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टूडेंट खाना कैसे बनाते हैं वो सीखने की बजाय निशाना कैसे लगाते वो सीख रही थी। सारा किचन गंदा कर दिया था, देखो ना सब कुछ हम लोगों को धोना पड़ा। ये सारी प्रॉब्लम एक किचन होने की वजह से है। मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग चारों बेडरूम को किचन में कन्वर्ट कर देते, एंड दैट इज फाइनल। ओ मिस फाइनल, तो हम लोग सोएंगे कहाँ? और की एंड बर्थडे किचन में। अरे लेकिन क्या जरूरत है हमें किचन में सुलाने की? मेरा मतलब है क्या जरूरत है कुकरी क्लासेस चलाने की? अरे देखो ना, दो चार औरतें इनसे खाना बनाना सीखने क्या आई, इनका दिमाग खराब हो गया। अरे ऐसी कौन सी इनकम बढ़ गई है तुम्हारी? ऐसा कौन सा नाम हो गया है तुम्हारा? सारी की सारी फीस के पैसे वापस लेने आई होगी, संभालो सबको। दीदी
वो प्याज वाली गोल पापड़ी जब मैंने अपने ससुराल वालों को खिलाई ना तो वो क्या ऊपर चले गए तो वो ना मुझ पे आफरीन हो गई उसकी। मैंने ना अपने उनको भी कह दिया कि जब हमारी शादी होगी ना तब हम कैटरिंग का सारा काम प्रभाव प्रेम क्लासेस से ही करवाएंगे। और आपने जो करेले का हलवा बनाना सिखाया था ना वो तो इतना अच्छा है मैंने 3 किलो बना के फ्रीजर में डाल दिया है। और मैडम हमें देख के ना हमारी सोसाइटी की 20 और लेडीज ने ये एडमिशन फॉर्म्स भर के भेजे हैं। 20 औरतें? अच्छा मैडम अब हम चलते हैं, कल क्लास के टाइम आएंगे। Okay, bye, come soon. सर सर 50 औरतें बाहर खड़ी है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। और 50 औरतें? रोबोगा थैंक्स, पता है अभी दोपहर के अलावा सुबह और शाम को भी कुकरी क्लासेस चलाना पड़ेगा। आरती तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे कल मालूम क्या हुआ, ये औरतें इतना शोर मचा रही थी कि पड़ोस वाले वर्मा जी ने पुलिस को बुला लिया ये सोच के कि हम लोग इस घर में ईव टीजिंग कर रहे हैं। अरे मोहन भैया परसों यहाँ इतना धुआं हो गया था कि वही वर्मा फायर ब्रिगेड बुला लाया था। और इन लोगों से उल्टा सीधा सीख कर किसी ने कुछ केस कर दिया तो? रोहू मुझे लग रहा है तुम मेरे सक्सेसफुल करियर से जल रहे हो, ये जल कुकड़ा। अरे कोई जल नहीं रहा भैया, हमसे गलती हो गई कि हमने किसी और की बीवी की तारीफ तुम्हारे सामने की बस। की कह रहे हो? अरे आइंदा दूसरों की बीवी की तारीफ तो क्या, उनका नाम तक इस घर में नहीं लेंगे। देखो हम सब मिलकर तुम्हें हाथ जोड़ते हैं, मेहरबानी करके ये कुकरी क्लासेस बंद करो। ठीक है आज से कुकरी क्लासेस बंद। थैंक्स। लेकिन कल से ब्यूटी पार्लर शुरू।